बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत का हादसा हुआ था तो उस हादसे के बाद एक और खबर ऐसी वायरल हुई थी जिस खबर को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार स्टीव हफ से सवाल कर रहे थे। वही स्टीव हफ जो दावा करता है आत्माओं से बात करने का, और उसने अपनी वीडियो शेयर कर सभी फैंस को बताया भी था कि सुशांत सिंह राजपूत से भी उसकी बातचीत हुई है, उसकी आत्मा से भी स्टीव हफ की बात हुई है। और स्टीव हफ को सुशांत ने बताया है कि वो हेवन में पहुंच चुका है अपनी माँ के पास, और अब वो कुछ भी नहीं चाहता। उसे किसने मारा है उसने इस बात का भी खुलासा नहीं किया। स्टीव हफ ने दावा किया था कि उसने दो बार सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की, लेकिन ऐसे में अब खबर आ रही है कि जब से सीबीआई के हाथ में केस किया है तो खुलासा हो चुका है कि स्टीव हफ ने वो सब कुछ झूठ कहा था। स्टीव हफ ने दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के नाम के जरिए खुद को फेमस करने के लिए ये सारा खेल रचा था, जहाँ पर स्टीव हफ ने झूठा दावा किया था कि उसकी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात हुई है। लेकिन यहाँ पर खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की आवाज़ निकालने वाला शख्स कोई और था, जिससे आवाज़ निकलवाता था स्टीव हफ, और सबको झूठ बोलता था कि आवाज़ सुशांत सिंह राजपूत की है। तो ये है पूरी सच्चाई स्टीव हफ के मिरेकल की और आत्माओं से बात करने की, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का जो दावा स्टीव हफ ने किया था वो बिल्कुल झूठा साबित हो चुका है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।